नमस्कार प्यारे मित्रों, धार्मिक महाकाव्य और पुराणों पर आधारित प्रश्नों की इस चैनल पर आपका स्वागत है। इसके माध्यम से आप लोगों को धार्मिक ज्ञान कराया जाएगा। यदि इस वीडियो में कुछ अच्छा हो तो पूरा जरूर देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। आपका पहला सवाल है, अंगद की माता का क्या नाम था? ए रूमा, बी तारा, सी अहिल्या, डी मंदोदरी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी तारा। अंगद की माता का नाम तारा था। अंगद शक्तिशाली वानर राजा बाली और उनकी पत्नी तारा का पुत्र है। वो सुग्रीव का भतीजा है। राम और सुग्रीव द्वारा अपने पिता को मारने के बाद सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए अंगद राम की सेना में शामिल हो गए। आपका दूसरा सवाल है, काकभूषुंडी पूर्व जन्म में क्या थे? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। आपका सही जवाब हो जाएगा ए ब्राह्मण। काकभूषुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह रामकथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार रामकथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। आपका तीसरा सवाल है, शिव जी के धनुष का निर्माण किसने किया था? ए याज्ञवल्क्य, बी परशुराम, सी विश्वकर्मा, डी जनक। आपका सही जवाब हो जाएगा सी विश्वकर्मा। शंकर के धनुष का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। ये धनुष राजा जनक के पास धरोहर के रूप में रखा हुआ था। इसी धनुष को श्रीराम ने इसे तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। आपका चौथा सवाल है, चंद्रमा की पत्नी का क्या नाम था? ए रेवती, बी उमा, सी रेणुका, डी रोहिणी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी रोहिणी। चंद्रदेव का विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी विरणी की 27 पुत्रियों से हुआ था। चंद्र इनमें से रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। कहते हैं कि चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से इतना प्रेम करने लगे कि अन्य 26 पत्नियां चंद्रमा के बर्ताव से दुखी हो गईं। आपका पांचवा सवाल है, श्रवण कुमार की हत्या किसके हाथों हुई? ए लक्ष्मण, बी विभीषण, सी दशरथ, डी जनक। आपका सही जवाब हो जाएगा सी दशरथ। अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के दौरान जब श्रवण कुमार तालाब पर पानी लेने गए तब दशरथ ने उसे मृग समझकर तीर चला दिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं। जरूर हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि हम आपको धर्म के प्रति जागरूक करने के निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आपका छठा सवाल है, श्री राम को झूठे बेर किसने खिलाए थे? ए अनुसूया, बी शबरी, सी मंथरा, डी अहिल्या। आपका सही जवाब हो जाएगा बी शबरी। शबरी की भक्ति को पूरा करने के लिए भगवान श्रीराम ने उनके झूठे बेर खाए थे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शबरी जयंती मनाई जाती है। इस दिन श्रीराम भक्त शबरी की स्मृति यात्रा निकालते हैं और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। आपका सातवां सवाल है, सूर्पनखा की नाक कान काटने के बाद वह सबसे पहले अपने किस भाई के पास गई थी? ए रावण, बी विभीषण, सी कुंभकर्ण, डी खर।
आपका सही जवाब हो जाएगा डी खर। शूर्पणखा के नाक काटने पर शूर्पणखा वहां से भागी और आसमान में उड़ते हुए सर्वप्रथम भाई खर के सामने भूमि पे जा गिरी। खर खड़ी हो, तेरा ये हाल किसने किया? तू बस नाम बता, वो जो कोई भी होगा, देव, पिशाच, गंधर्व या राक्षस है, उसको मैं सबक सिखाऊंगा। आपका आठवां सवाल है, श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी उस दिन कौन सी तिथि थी? ए नवमी, बी दशमी, सी एकादशी, डी द्वादशी। आपका सही जवाब हो जाएगा बी दशमी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस दिन श्री रावण का वध किया था, नवरात्रि के दसवीं की तिथि थी। भगवान राम ने 9 दिन तक उपासनी की और दशमी दिन रावण पर विजय प्राप्त की, इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। आपका 9वां सवाल है, सुलोचना के पति का क्या नाम था? ए खर, बी अतिकाया, सी मेघनाथ, डी देवांतक। आपका सही जवाब हो जाएगा सी मेघनाथ। सुलोचना के पति का नाम मेघनाथ था। वह लंका के राजा रावण के पुत्र था। वह अपने पिता की तरह स्वर विचित्र था। इंद्र को प्राप्त करने के कारण ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। आपका 10वां सवाल है, श्री राम सीता मिलन पहली बार कहाँ हुआ था? ए अशोक वाटिका, बी पुष्प वाटिका, सी अयोध्या, डी स्वयंवर। आपका सही जवाब हो जाएगा बी पुष्प वाटिका में। भगवान श्री राम एवं माता सीता पहली बार जनकपुर में पुष्प वाटिका में मिले थे। रामचरितमानस के बालकांड में इस प्रिय प्रंग का बड़ा ही मनोरम वर्णन है। आज का आपका अंतिम सवाल है, रावण के कुल कितने सिर थे? ए 8, बी 9, सी 10, डी 12। दोस्तों, यदि आप लोगों को इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आपका ज्ञान का पता चल सकेगा। दोस्तों, बहुत रिसर्च मेहनती बाद हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपसे आशा है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ईश्वर आपका हर मनोकामना को पूरी करे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।